नौटंकी न्यूज। नौटंकी न्यूज के आज के एपिसोड में देखिए ऑफिस में कैसे मनाई गई लोहड़ी। कहाँ घूम फिर के आया, काम वाम कुछ किया कि नहीं? सर किया है ना, देखो कितनी अच्छी शॉपिंग की है, पर लोहड़ी स्पेशल की सेल भी चल रही थी। फनी ड्यूल, एक्टिंग छोड़ के क्यों बने डायरेक्टर? जब से पापा ने फिल्मों में दोबारा काम करना शुरू किया है, मेरा तो 2.5 किलो का हाथ कोई देखता ही नहीं। लोहड़ी कैसे मनाती है फनी लियोनी, जानेंगे आज के सास बहू और षड्यंत्र में। घरों में पति पत्नी के बीच आग लगा रखी है क्या? 24 घंटा टावर से पेश है नौटंकी न्यूज। सर, सर, मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम लोग क्या निकले? क्या निकले सर? मैं तुम्हें उल्लू समझता था और तुम लोग गधे निकले। सर हैं? लगता है सर आज सुबह सुबह अपनी खूबसूरत पत्नी की शक्ल देख के आए। हमको तो लगता है सुबह सुबह सर मिरर देख के आए। क्या घुसुर घुसुर कर रहे हो? सर आपकी तारीफ। अरे आज लोहड़ी है तो कोई अच्छा काम करो, कोई अच्छा न्यूज दो। लोहड़ी? हाँ सर लोहड़ी है। अरे आज लोहड़ी है सर। वाओ सर, लोहड़ी की ढेर सारी बधाइयां आपको सर। हाँ जी हाँ जी, लोहड़ी है लोहड़ी है। सर 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 मुद्दे की बात तो बता दीजिए कि सर आज पार्टी कहाँ पर दे रहे हैं? पार्टी? खड़ा। अरे आज का ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो बताओ पहले। सर ये मतलब ये बताएगी सर। चुप करो सर, फोर्ब्स की लिस्ट आई है, उसमें सलमान खान और अमिताभ बच्चन ने टॉप किया है। अरे सर वैसे तो पहले हर एग्जाम में सिर्फ मैं ही टॉप करता था सर, लेकिन अब वक्त बदल गया है सर, अब तो एग्जाम ही नहीं होते। पता नहीं पास कैसे हुआ होगा तू। और सुनाओ और सुनाओ। हाँ सर, और इन लोगों को पैसे ना ब्रांड एंडोर्समेंट में मिलते हैं। हाँ सर, कभी स्टार्स ब्रांड्स के पीछे, कभी ब्रांड्स स्टार के पीछे, टू मच फन, नतीजा नंबर वन। आइडिया, और हम भी हमारी चैनल के लिए एक ब्रांड एंबेसडर चुनेंगे तो हमारी चैनल नंबर वन हो जाएगी। हाँ सर ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सलमान भाई को रख ले, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की भी नहीं सुनते हैं। नहीं नहीं, अरे वो अपनी आप की नहीं सुनता, मेरी क्या सुनेगा। सर तो धोनी को ब्रांड एम्बेसडर रख लें? अरे नहीं, आजकल उसका लक अच्छा नहीं जा रहा है। सर मैं सोच रही हूँ आज सास बहू षड्यंत्र में मैं किसी सीरियल के सेट के बजाय किसी स्टार के पास पहुँच जाती हूँ। सर इसको रंजीत के घर भेज देते। चुप करो। अरे अच्छा आइडिया है सुका, किसी स्टार के घर पे चली गई तो उसकी पर्सनल डिटेल्स की इनसाइट मिल सकती है। तो बोलो सु क्या प्लानिंग है तुम्हारी? सर मैं सोच रही हूँ मैं किसी ऐसे स्टार के घर जाऊँ जिसका कनेक्शन पंजाब के साथ हो, लोहड़ी स्पेशल। वाह लगता है आज तुम च्यवनप्राश खा कर रही हो। सीखो सीखो सु से कुछ सीखो गधो। बेइज्जती खराब कर रहे हैं हम लोगों की फिर से। ये बताओ बाप की अदालत में कौन आ रहा है? सर लोहड़ी का मौका है तो पंजाब के पुत्र धर्मेंद्र को बुला लेते हैं। वाओ सर वाओ, बहुत अच्छा है। फिर रुक रुक उल्टे सीधे सवाल पूछेगा और धर्मेंद्र जी कहेंगे कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। नहीं नहीं सर, धर्मबाजी को नहीं बुलाते। मैंने सुना है सर कि धर्मबाजी की तबीयत बहुत खराब है, उनको नहीं बुलाते, किसी और को बुलाते। ट्राई समवन एल्स सर, एनीवन। डर गया डर गया। अरे नहीं सर, मैं कभी किसी से बहुत डरता हूँ सर। लेकिन किसी और को बुलाएंगे, उसका भी पंजाब के साथ कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन सर किसको? अरे उसी को जो फिर से लोगों को घायल करने की तैयारी कर रहे हैं, फनी देओल। ये है हमारी बाप की अदालत और आज के हमारे गेस्ट हैं फनी देओल। स्वागत कीजिए तालियों के साथ फनी देओल सर का। तो फनी देओल सर शुरू करें। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि आपका 2.5 किलो का हाथ कैसा है? जब से पापा ने फिल्मों में दोबारा काम करना शुरू किया है, मेरा तो 2.5 किलो का हाथ कोई देखता ही नहीं। जी सर, सब कहते हैं सेम टिकट में अगर 5 किलो का हाथ देखने को मिल रहा है तो हम ये 2.5 किलो का हाथ क्यों देखें? आई नो सर, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा सर इसको जाने देते,
आप ये बताइए सर कि आपकी जो फिल्म आ रही है घायल टू, तो घायल टू क्यों सर? क्या इसका मतलब ये है कि पहली वाली घायल सही नहीं बनी थी इसलिए फिर से घायल? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल घर पे चुपचाप खाली बैठा हुआ था और कोई काम भी नहीं था, तो सोचा घायल फिर से बना लूं। बनी देओल सर, आप ये बताइए कि आपने एक्टिंग छोड़ के नहीं, एक्टिंग छोड़ी कहां? आपने एक्टिंग भी की है इस फिल्म में, मालूम है मुझे, तो आप एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं सर? तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है, लेकिन मेरा डायरेक्शन बहुत अच्छा है। मोहल्ले में अगर किसी को कोई भी रास्ता पूछना होता है तो वो मेरे पास ही आते हैं। अरे एक बार तो मैं पैदल चलता हुआ चीन तक चला गया था। क्या बात कर रहे हैं सर, इसका मतलब आपको चीन तक का रास्ता पता है? अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे जाना तो था जापान। ओह मतलब जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। हाँ 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 ज़ाना मजदूर, ये मजदूर का हाथ है, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। आई नो सर, आई नो सर। रिलैक्स, प्लीज बैठ जाइए सर, प्लीज बैठ जाइए, मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ सर। सर आजकल आप ज्यादा फिल्में नहीं कर रहे सर? सर यार मेरे सारे चेक तो फनी लियोनी ले जाती है। अरे नाम सेम होने की वजह से सारी फैन फॉलोइंग ही शिफ्ट हो गई है। और सर आप दोनों का काम भी तो एक जैसा ही है ना सर? आपका नाम सुन के लोगों का दिल धड़कता है। और फनी लियोनी का नाम सुन के लोगों का दिल धड़कता है। ये धड़कना बंद कर दे यार, ये नाम का बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। प्रोड्यूसर्स मुझे आइटम सॉन्ग के लिए साइन करने लगे हैं, कहते हैं मुझे बिकिनी शॉट देना होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, और एक बार तो मैंने पैसों की कमी के कारण बिकिनी शॉट दे भी दिया। ब्रेकिंग न्यूज, फनी देओल सर ने फिल्मों में काम करने के लिए बिकनी का शॉट भी दे दिया। इसका मतलब फिल्मों में काम करने के लिए फनी देओल बिकनी पहनने को भी है तैयार। मेरा मजाक मत उड़ा, मैं चलता हूँ। ये थे फनी देओल सर जो हमारे साथ अपने दुखों को शेयर कर रहे थे। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, आप लोग यहीं रहिए, देखते रहिए नौटंकी न्यूज। अरे सू, तूने रुक रुक को देखा है? रुक रुक? हाँ सर, देखा है, देखा है, बहुत गौर से देखा है। कितना हैंडसम है वो, उसकी आंखें कितनी नशीली, ये तो पहले दिन से नजर टिकी हुई है उस पे। शट अप! अरे ऐसे दिखाए नहीं, यहाँ पे कहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा वैसे वो तो दुर्बल बाबा की तैयारियों में लगा हुआ है। चलिए चलकर देख लेते हैं। चलो चलो। हम हैं बाबा दुर्बल, जिनका समस्याएं सुलझाने का अंदाज है बड़ा ही निर्मल। तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, जस्ट डायल 36 24 36 और लेकर जाइए बाबा जी की बूटी समाधान के रूप। बाबू मेरा गाना चला तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना। हेलो, प्रणाम बाबा। प्रणाम बेबी। ओह माय गॉड, आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारा नाम बेबी है? सब लोग मुझे प्यार से बेबी बुलाते हैं और नाम है लालिया भट्ट। ओह, साल के शिष्य? क्या? स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ये बताओ तुमने यहाँ कैसे फोन किया, क्या समस्या है? मैं बहुत हॉट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, बबली भी हूँ, बट सब लोग मुझे इंटेलिजेंट 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 कहते हैं बाबा। ये इंटेलिजेंस क्या होती है? बिल्कुल पते की बात कही आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी समस्या सुलझानी है तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा। हम थोड़ा सा समय लेते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नौटंकी न्यूज। कल के एपिसोड में देखिए घंटा प्रसाद के टीआरपी का किसने बजाया घंटा। हो क्या रहा है इस चैनल में? 0 डिग्री सुपर हॉट कैटरीना सैफ होगी ठंडी। हेलो। और दुर्बल बाबा की बजेगी पुंगी। हाँ बोलो भाई। मैं बहन बात कर। मकर संक्रांति के त्योहार में किसने लूटे मजे और किसकी कटी पतंग? कसम से आप ना सर, बहुत लकी आदमी, गजब से बहुत। अरे क्या लकी, ये सब भाभी जी ने नहीं मैंने बनाया है। नॉटन की न्यूज के नालायक रिपोर्टर्स ने फिर से कौन सा कर दिया ऐसा कांड जिसकी वजह से निराश और हताश घंटा प्रसाद के मुंह से फिर से निकला। अब मेरी चैनल कौन देखेगा? ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बेबी ये बताओ तुम कितना पढ़ी हो? 15 पेज तक प्रिंट फेयर। मेरे कहने का मतलब है, मेरे पूछने का मतलब है, कहाँ तक पढ़ी हो, कहाँ तक पढ़ी हो? अपने बेडरूम तक।
अरे यही समस्या है, हाँ यही समस्या है। तुम्हारे घर में और भी कमरे हैं ना, तो वहां भी घूम घूम के पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस वो एक कमरे में कैद होकर रह गई है। अगर बाहर आस पास घूम घूम के पढ़ोगे ना, तो दिमाग खुलेगा, तुम्हारी बुद्धिमता खुलेगी और तुम्हारी इंटेलिजेंस खुलेगी, समझ गए तुम? ओके बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज ज्यादा हो जाएगा, मुझे बहुत जोर की आई है, मैं जाता हूँ, कल बात करेंगे। हेलो हेलो बाबा, हेलो हेलो। लोहड़ी के दिन लोग मिल जाते हैं। ए, रुको रुको रुको, क्या है, कहाँ घूम फिर के आया? काम बाम कुछ किया कि नहीं? सर किया है ना, देखो कितनी अच्छी शॉपिंग की है, पर लोहड़ी स्पेशल की सेल भी चल रही थी। हाँ सर, लगे हाथ में भी बहुत सारा काम का सामान ले आया हूँ सर, आपके लिए भी है। जहर लाए हो मेरे लिए? और बलवान तुम क्या कर रहे थे? सर मैं जिम कर रहा था। मतलब कुछ नहीं कर रहे थे? अरे मैंने ये कहा था कि ब्रांड एम्बेसडर ढूंढ के निकालो, एम्बेसडर में बैठ के घूमने को नहीं। तो आपको इतने सारे ऑप्शन दिए, आपको कोई पसंद आता है? ये कोई बात हुई? आपको कोई पसंद ही नहीं आता ना? अरे मुझे कोई बड़ा नाम चाहिए। सर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं आपको बोल्ड स्टार का नाम बताऊं? कौन? फनी लियोने। उसे बना देते हैं अपने चैनल का ब्रांड एम्बेसडर। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, अरे पक्का कर दो, इसे लॉक कर दो। सर भी चुप चुप के उसी की फिल्में तो देखते हैं। बुलाओ बुलाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, सस्ता सुंदर टिकाऊ, बुला लो बुला लो। सर उसकी ना छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी फिल्में सभी हिट हो जाती है। ये लोहड़ी तो सर कुछ स्पेशल होने वाली है। सर सर इतनी बड़ी फिगर हमारे शो को इंडोर्स करेंगे सर, मजा आ जाएगा। और सर हमारे चैनल की फिगर भी ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, जाओ बात करो फनी से, लेकिन सबसे पहले खेल की खिल्ली में बिल्ली किसे बना रहे हैं आज हम? सर आज खेल की खिल्ली में खिल्ली उड़ने वाली है पाकिस्तानी क्रिकेटर जाहिल आफरीदी की, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है स्पेशल टाइप की लोहड़ी फनी लियोनी के साथ मनाने की। सर मैं जल्दी जाती हूँ, देर ना हो जाए, मैं जाती हूँ, मैं फिर से जिम करके आता हूँ। जीना। यस मैम। गेट मी सम मोर रेवरीज। बट मैम लुक एट योर फिगर। आने दी तो आने दी। ओके मैम। हेलो, और मैं हूँ आपकी देसी सू। सास बहू और षड्यंत्र में मैं आपको एक ऐसे स्टार के घर ले आई हूँ जहाँ वो अलग तरीके से लोहड़ी मना रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फनी लियोनी जी की, चलिए उनसे बात करते हैं। हाय फनी जी। हेलो। हैप्पी लोहड़ी। सेम टू यू। आप बहुत मस्ती मार रही है, बहुत खुश लग रही है, लगता है लोहड़ी आपका फेवरेट त्योहार है। हाँ, लोहड़ी के दिन मैं बहुत मस्ती मारती हूँ, तभी तो मेरी नई मूवी सस्ती ज्यादे आ रही है। क्या ब्रेकिंग न्यूज, फनी जी ने इतनी मस्ती मारी कि उनकी नई फिल्म बन गई सस्ती ज्यादे, कमाल है। वैसे फनी जी ये आग क्यों लगा के रखी हुई आपने? आग लगाना तो मुझे बहुत पसंद है। जब मेरी मूवी में गाना आता है तो थिएटर्स में आग लग जाती है। पता नहीं कितने घरों में पति पत्नी के बीच आग लगा रखी है। क्या ब्रेकिंग न्यूज, फनी जी घर घर जाके आग लगा दी है, क्या टैलेंट है। फनी जी आपने क्या क्या तैयारियां की हैं? तैयारियां? मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। बात तो मैंने चलती फ्लाइट में ही दिवाली मना ली थी। क्या ब्रेकिंग न्यूज, आगे आओ। फनी जी ने फ्लाइट में ही दिवाली मना ली, ऊपर कैसे? एक मिनट फनी जी, आपने पटाखे कैसे फोड़े? पटाखे नहीं फोड़े, वो तो यहाँ वहाँ के लोग मुझे देखकर ताली बजा के कहने लगे पटाखा पटाखा। पटाखा? क्या पटाखा है? मतलब अच्छा है, अच्छा है। वैसे इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। ये ड्रेस तो मैंने स्पेशली कनाडा के एक डिजाइनर फ्रेंड से बोल के बनवाई है। क्या ब्रेकिंग न्यूज, फनी जी अपने कपड़े किसी कैनेडियन डिजाइनर से बनवाते हैं, वाह कमाल है। वैसे फनी जी वैसे इस ड्रेस में कुछ खास दिख नहीं रहा। कुछ दिख नहीं रहा, वही तो खास है। ब्रेकिंग न्यूज, खास ब्रेकिंग न्यूज की कुछ रहने दीजिए। फनी जी आप लोहड़ी कैसे मनाएंगी?
लॉरी, लॉरी में तो मैं बहुत मस्ती करती हूँ और आज भी सोने से पहले मैं जब तक लॉरी ना सुन लूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती। बाकी त्योहार अपनी जगह है और लॉरी अपनी जगह। लेकिन सुनिए पनी जी आपकी फेवरेट लॉरी कौन सी है? चलिए लॉरी सुनने। खैर आपने देखा ये बड़े स्टार्स लॉरी का त्योहार कैसे मनाते हैं। कैमरामैन ज्वाला सिंह के साथ मैं अग्नि, मेरा मतलब है मैं आपकी देसी सू, लव यू। वो सूखा षड्यंत्र अभी तक खत्म हुआ कि नहीं? हाँ सर वो निकल चुकी है, उसका कॉल आया था। उसको बता दिया है ना कि फनी लियोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना है? हाँ सर, कान खोल के बोल दिया सर। हाँ तो अभी आप खोल के देख लो कि अपने आइला ने खेल की खिली शुरू की कि नहीं। आज हमारे मेहमान भी ऐसे हैं जो बॉल उड़ाने में बहुत माहिर थे। हाँ, सरहद पार से मेरे छोटे भाई, नहीं मेरे छोटे भाई छोड़ो, मेरे भाई जाहिल अफरीदी। आलम आइला, आइला वेलकम वेलकम वेलकम। आइला 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 खूब पेड़ डाली। हाँ कौन सा पेड़, किसको दी गाली? अरे अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत देर लगा दी, कहाँ था तू? हाँ दरअसल बात यह है कि रास्ते में एक औरत एक मर्द को बुरी तरह से धो रही थी और माशाल्लाह बड़ी भीड़ लगी हुई थी तो मैं भी वहीं रुक गया। कौन था वो? कोई सड़क छाप रोमी होगा है ना? अरे अरे नहीं नहीं, एक कोई क्रिकेटर था। आइला क्रिकेटर? बॉलर था, बैट्समैन था, कौन था जल्दी बोल। वो नहीं बता पाऊंगा। अरे बोलना। अरे छोड़ ना, कुछ और बात करते हैं। अरे बोलना यार। अरे नहीं यार, फिर बीवी बोलेगी कि घर की बात तुमने न्यूज चैनल पे बता दी। पूछ रहा था कि अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें से तू बहुत जल्दी आउट हो गया, क्यों आउट हो गया? क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो तुम? कूल डाउन कूल डाउन, मैं जो कहना चाहता हूँ ना वो मैं तुझे ब्रेक के बाद बताता हूँ। आइला नौटंकी न्यूज़। आइला वेलकम बैक। अरे वेलकम बैक बाद में देख लूंगा, पहले ये बताओ कि तुम कहना क्या चाहते थे। अरे 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 मेरे पूछने का मतलब ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने तुमको एक सवाल पूछा लेकिन उसका जवाब देने के बदले तुम आउट हो गए, मतलब उठ के चले गए, क्यों? ओ स्प्रेड। दरअसल मुझे जल्दी आउट होने की आदत सी हो गई है, आजकल ज्यादा कहीं टिक नहीं पाता हूं। आजकल तो सालों से जल्दी आउट हो रहा है। अब मैं ये पूछ रहा हूं तू प्रेस कॉन्फ्रेंस से आउट क्यों हुआ? अरे ये तो फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आजकल तो माशाल्लाह मैं एक पैक में ही आउट हो जाता हूँ। अरे पैक की बात छोड़, ठीक से जवाब तो दे जाहिल। हाँ ये ऐसे नहीं छोड़ेगा। पैड रेडी है ना? हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ आइला यहाँ से भी जल्दी आउट हो गया। लेकिन अपने को क्या करना है, आप लोग यहाँ से आउट मत होइएगा, हमारे पास में बहुत कुछ है दिखाने के लिए, देखते रहिए नौटंकी न्यूज। आइला आइला इतनी देर हो गई, ये फनी आई नहीं अभी तक। तुम्हें बड़ा इंतजार है फनी का। हा? अरे नहीं सू, सिर्फ उसी को नहीं सर को भी इंतजार है। देखो बार बार कैसे घड़ी देख रहे सर। अरे घड़ी में फनी नहीं है, टाइम है, टाइम देख रहा हूँ। सर ये लीजिए आप मेरे मोबाइल में देख लीजिए। वाह सब उसकी फिल्में डाउनलोड कर ली है तूने? सर समय देखने के लिए था, टाइम देखने के लिए, पूरे स्टाफ के सामने बेइज्जती खराब करवा रहे हैं। फनी मैं यहाँ लॉरी का फंक्शन छोड़ के आई हूँ एंड आप लोगों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है? क्या ना मैचिंग मैचिंग। अरे फनी हैप्पी लॉरी हैप्पी लॉरी। अरे मैं तो कब से दिल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। अरे स्वागत तो मैं करता हूँ और वो भी इंडियन तरीके से करूंगा, गले लगते। फनी जी हम चाहते हैं कि हमारी चैनल की आप ब्रांड एम्बेसडर बने, एंडोर्समेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आपके चैनल का प्रमोशन करूं? जी हम आपको बहुत चाहते हैं। व्हाट? देखिए मुझे भी घर जाके एंजॉय करना है, लोहड़ी का फंक्शन है।
एंडोर्समेंट की बात करिए। हाँ हाँ, अरे लेकिन उसमें बात क्या करनी। मान लो मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, मुझे क्या मिलेगा? अरे आप पैसे की चिंता क्यों करती हैं? पैसा तो हमारे सर आपके लिए पानी की तरह बहा देंगे, पानी की तरह। और वैसे भी सर तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों सर? मैं ही कहता हूँ उनसे। लेकिन पैसे का डिस्कस कर ले तो अच्छा होगा। सर सर, लेट मी हैंडल दिस केस सर। अच्छा देखिए फनी जी, आप इतनी सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, आपकी अदाएं कुछ ऐसी हैं कि आपको देख देख के एक दो महीने में तो बुड्ढा निकल ही लेगा हार्ट अटैक से। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी आप ही की तो है, तो कोई टेंशन नहीं है। क्या घुसुर पुसुर कर रहा है सर? सेटिंग करा रहा हूँ सर, अभी इसकी हमारे कंपनी को बहुत सख्त जरूरत है सर, पटा लो। वैसे क्या प्रॉपर्टी है आपके पास? बताता हूँ ना, बताता हूँ। दो चारपाई, कुछ मिट्टी के बर्तन और एक बकरी। सर बकरी कब ली? पिछले हफ्ते ही बुक करवाई। कौन सा कलर की? कोबाल्ट ब्लू। आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखिए, मुझे नहीं करनी है आपके चैनल की इंडोर्समेंट। रुकिए रुकिए, हम आपका प्रमोशन करेंगे, आपको नंबर वन बना देंगे। नंबर वन? नंबर वन माय फुट। जब आप लोगों की बजट नहीं थी तो क्यों मुझे बुलाया टाइम वेस्ट करने के लिए? मैं जा रही हूँ। फनी जी सुनिए। फनी गई और जाइलो, इतने उठ पटांग सवाल करते हो ऐसी शिष्ट संस्कारी कन्या को, तो वो तो नाराज होकर चली जाएगी ना। हाँ तो मुझे कोई बात करने दे तब ना। अरे ये बड़ा है बात करने वाला। अरे सर आपको मुझसे कुछ कहना है सर? हाँ हाँ कहना है सू। सितारे करिश्मे की स्क्रिप्ट तैयार हुई कि नहीं? सर समझिए, शूट हो भी गया लेकिन आप भी ना, मैन विल बी मैन। वेरी फनी फनी। सितारे गर्दिश में आपका स्वागत है, आइए आइए और एक बार फिर चले आइए। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते की राशि। तो इस हफ्ते की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों से मैं यही कहूंगी कि आप जंगल में मत जाइए, जान के लाले पड़ सकते हैं, और अपने क्रोध को दबाएं वरना कोई आपका गला दबा सकता है। तो आज जन्मदिन है बॉलीवुड के सभी मामों के भांजे यानी कि इमरान खान का। इमरान जी मैं क्या कहूँ आपको, ग्रहों की चाल कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन आप तो बच्चे बने हुए हैं। आप उभरते हुए कलाकार थे लेकिन अब आप उभरते हुए बच्चे हैं। सारे काम आप अपने मामू से पूछिए। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको अपनी साढ़े सती मिटानी है तो अपने मामू का सहारा लें। मेरे कहने का मतलब यह है इमरान जी कि काम के सिलसिले में कोई भी सवाल हो तो अपने मामू आमिर से पूछिए। तारे गर्दिश में बस इतना ही, ग्रहों से कल मैं फिर खेलूंगी, तब तक के लिए बाय। 24 घंटा न्यूज पे आज बस इतना ही, अब आप चाहिए लोरी एंजॉय कीजिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोरी वंस अगेन। हम कल फिर आएंगे, आपको हंसाएंगे गुदगुदाएंगे, क्योंकि ये समाचार नहीं व्यापार है। ओनली ऑन 24 घंटा न्यूज पावर्ड बाय दोगा बनियान। आपकी इज्जत हमारे हाथ में है।